Good morning, student. Class 10th ka lesson, that is the French Revolution. We have done it earlier, but this is the revision part that we are going to do. And I hope that you will definitely try to understand. And we will discuss about, not the whole topic, we will discuss about some topics here in the fast way. That may be useful for you, if you will hear and listen and try to see the video very carefully. Fine. Chalte hain. Class 10th ka hai, French Revolution. आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? तो सबसे पहले बात करते हैं कि इट वाज स्टार्टेड ऑन 14 जुलाई 1789। क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ, तो शुरुआत हुआ था आपका 14 जुलाई 1789। फिर एक टॉपिक है यहाँ पे, कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या कारण थे। बुक्स में आपने बहुत कहानियाँ पढ़ी होगी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स को, 5 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, और अगर आप उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द गुड मार्क्स। पहला है, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेट। आपको पता है कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी, थ्री स्टेट में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज थी, जिसकी वजह से जनता में बहुत नाराजगी थी, क्योंकि इक्वलिटी नहीं थी। एक स्टेट टैक्स पे करता था और बाकी दोनों स्टेट क्या करते थे, उस टैक्स का, उस पैसे का फायदा उठाते थे। ठीक है, ये स्टेट्स क्या है नीचे एक्सप्लेन किया हुआ, ऑन दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, सेकेंड है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब देश के अंदर एक अराजकता का माहौल था, राजा को अपने राजा के ऊपर अपनी जनता का विश्वास नहीं था, उनको नहीं पता था कि राजा क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, बार बार अकाल पड़ रहा था, खाने की दिक्कत थी, लोगों के पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, और राजा जो था इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से जनता परेशान थी और उसको विद्रोह करने के लिए मजबूर हो रहा। नेक्स्ट है आपका ट्रेजरी वॉज फाउंड एम्प्टी। राजा किंग लुई 16 जब राजा बना, ऑन दैट टाइम ही वॉज अ गुड किंग, ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव द कंडीशन, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट, सो ही स्टार्टेड टू इंक्रीज द टैक्स, बिकॉज ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर देयर, मतलब उसके जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया था, जो खजाना उसको दिया था बींग अ राजा, तो सारा का सारा क्या था, खाली पड़ा था, उसमें पैसे नहीं थे, तो पैसा कहाँ से आता, तो राजा की मजबूरी थी, टैक्स को बढ़ाए, अलग अलग डिफरेंट टाइप की थ्योरीज लगाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर सके, क्योंकि उसको अपने राज में अगर खर्चा संभालना था, सेनाओं को देना था, कुछ काम करने थे जनता की भलाई के लिए, सैलरीज पे करनी थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी। और कारण क्या था उसका, अगर उसके पास एक फुल ट्रेजरी होता तो उससे वो काम चलाता, जनता का टैक्स का बोझ नहीं पड़ता। नेक्स्ट है ग्रोइंग मिडिल क्लास। उसी टाइम पे एजुकेशन थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा था, जो मिडिल क्लास के लोग थे they found that they can do some different things there. तो उन्होंने अपने rights को पहचाना, अपने हक को पहचाना, कुछ theories आई, और उसके बाद जो middle class के लोग थे, जो ना तो अमीर थे ना गरीब थे, middle थे, जो थोड़ा बहुत पैसे कमा कर अपने life को सही से जी रहे थे, तो उन्होंने राजा के खिलाफ एक bonding शुरू कर दी, एक group बनाया, और through that they started to raise the voice. पहले उन्होंने राजा के सामने रखा और अपने thoughts को लोगों तक पहुँचाते हुए चले गए। तो जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने अपने आप को थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर उठाया और वो राजा के अगेंस्ट में खड़े होने की शुरुआत उन्होंने कर दी। ठीक है, लास्ट वाला टैक्स मैंने पहले बताया कि जनता गरीबी से परेशान थी, भूख से परेशान थी, किंग वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड दैट, राजा को कुछ मतलब नहीं था, वो टैक्स पर टैक्स बढ़ाया जा रहा था और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैश चाहिए था, वो जमींदारों पे, किसानों पे, कामगारों पे, ही वॉज पुटिंग सो मैनी टैक्स, तो जनता परेशान थी, टैक्स टेबल नहीं था, कभी कभी अकाल पड़ जाता था, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती थी, कभी बर्फ़ गिर जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, तो वैसे ही फूड प्रोडक्शन बहुत कम था, ब्रेड की कीमतें हाई हो रही थी, तो कहाँ से टैक्स पे करते, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, फिर टॉपिक आया था यहाँ पर स्टेट जनरल का। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि फ्रांस के अंदर जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो इस स्टेट को समझिए, यानी फ्रांस का जो राजतंत्र था या फ्रांस की जो उस वक्त का समाज था, ऑन दैट टाइम इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, स्टेट में उनको बांटा गया था, ग्रुप में कर दिया गया था। पहला स्टेट जिसमें कौन थे, क्लर्गी और चर्च के लोग थे, मीन्स पहला वाला जो ग्रुप है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था धार्मिक उसके ऊपर, क्योंकि उस समय चर्च में बहुत पावरफुल हुआ करते थे, चर्च के पास बहुत ताकत होती थी, राजा उसको फॉलो करता था, फिर वो कह सकते हो कि राजा के ऊपर प्रेशर डालकर सारे काम करवाते थे। तो उसके अंदर पहले स्टेट में क्लर्गी थे, चर्च थे, पीपल और चर्च पीपल थे, यानी चर्च के जो सहायक होते वो सब, जैसे पंडित होते ना हमारे समाज में उस तरीके से,
और ये टैक्स पे नहीं करते थे, इनको किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं था, उनको पूरी तरीके से टैक्स में छूट थी। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज, जिसमें नोबल पीपल, जिसमें ऑफिसर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, रिच पीपल थे, वो सब थे, यानी राज दरबार और शाही दरबार के लोग थे। सभी लोग जो मंत्री संतरी थे वो सब इसी में आते थे, और उनको भी किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना था। थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसमें थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल, जो कोर्ट में काम करते थे लोग, किसान, पुअर पीपल, वर्कर्स, बाकी सारे इन सबको छोड़ के जो थे सारे सारे थर्ड स्टेट में आते थे। और थर्ड स्टेट के लोग ज्यादातर क्या थे, गरीब हुआ करते थे, और उनको टैक्स पे करना होता था। यानी थर्ड स्टेट के लोग क्या करते थे, टैक्स पे करते थे, और बाकी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग उन टैक्स पे क्या करते थे, अपने सारी लाइफ को या फिर अपनी सारी जरूरतों को पूरा करते थे। आगे आपका एक टॉपिक और लिखा है, मैंने कवर करने की कोशिश की, दैट इज अ टाइप ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो उसमें फ्रांस में दो तरीके के टैक्स अलग करते थे, टाइप और टैप। जो टाइप टैक्स था दैट वाज रिलेटेड टू द चर्च, यानी वहां पे जनता जो थी धर्म का टैक्स भी देती थी। यानी जो ये टैक्स था, जो टाइप था, ये टैक्स चर्च को जाता था, उसका एक्सपेंसेस जो भी था सब कुछ चर्च के पास होता था, और चर्च अपने हिसाब से इस पैसे को खर्च करता था। दूसरी तरफ दूसरी टाइप का टैक्स था, दैट इज द टाइप, ये जो टैक्स था ये राजा का टैक्स था, गवर्नमेंट का टैक्स था। तो इस तरीके के दो टैक्स लगते थे, टाइल और टाइल। टाइल वाला किंग के पास जाता था, गवर्नमेंट के पास जाता था, और टाइल वाला किसके पास जाता था, ये जाता था चर्च के पास। तो दो तीन टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर मोर मोर टॉपिक, फाइन।